हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज देखते हैं क्लास एट इंग्लिश का चैप्टर वन। देखिए यहाँ पे आपका जो टाइटल है वो है द लॉटरी टिकट। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड मीनिंग लिखा है जो कि आपको याद करना है, जैसे मॉकरी है, सेप्टिसिज्म है, डॉस है, एस्टोनिश्ड है, बिल्डर्ड है, पोएटिकल। तो इस तरह से जितना भी आपको वर्ड मीनिंग है इसको याद करना है। देखिए मैं चूँकि ये कहानी बहुत लंबी है जिसको वीडियो के मार्फत से समझाना काफ़ी बड़ा हो जाता, लगभग लगभग दो तीन क्लास की वीडियो हो जाती, तो इसलिए मैंने थोड़ा इसका समरी लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो समरी यहाँ देख सकते हैं, द लॉटरी टिकट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी बाय एंटन चेकव। आप जानते हैं एंटन चेकव कौन थे? रशियन नॉवलिस्ट थे। तो ये जो कहानी है लॉटरी टिकट, ये एक शॉर्ट स्टोरी है एंटन चेकव के द्वारा। दिस स्टोरी इज अबाउट ए मिडिल क्लास कपल डेट बिलीव्स दे हैव वोन द लॉटरी। ये जो कहानी है वो एक मिडिल क्लास कपल के बारे में है जो कि विश्वास करते हैं, जो कि जान जो कि सोचते हैं कि वो एक लॉटरी जीत चुके हैं। इवान दमित्रिच इज ए स्केप्टिकल ऑफ हिज वाइफ स्पेंडिंग मनी ऑन लॉटरी टिकट एंड बिलीव सी इज़ वेस्टिंग मनी ऑन देम। अब इवान दमित्रिच जो है वो अपनी पत्नी के जो पैसे खर्च कर रही है उससे उसको घृणा होता है और वो ऐसा सोचता है कि उसकी पत्नी पैसे बर्बाद कर रही है। हाउएवर ही अग्रीज टू रीड द विनिंग न्यूज नंबर्स टू हर। लेकिन जब उसकी पत्नी उसे कहती है कि न्यूज़पेपर में देखो उसका नंबर आया है कि नहीं, तो वो उसके लिए तैयार हो जाता है, देखता है। वैन ही डज, जब वो ऐसा करता है, एट फर्स्ट सीरीज ऑफ नंबर्स मैचेज, तो जो सीरीज के जो पहले नंबर थे वो मैच कर जाते हैं। एंड दे गॉट एक्साइटेड, और वो क्या होते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। बिफोर इवान लुक्स एट द लास्ट नंबर, इससे पहले कि इवान लास्ट नंबर भी देख पाता, इससे पहले ही वो उत्साहित हो जाते हैं। दे बिगेन टू डेड्रीम अबाउट हाउ दे विल स्पेंड द मनी दे वोन, और ये लोग इस बात में सोचने लग जाते हैं किस तरह वो जो पैसा जीते हैं वो किस तरह से खर्च करेंगे। इवान वैन रियलाइजेज हिज वाइफ कुड आइदर अबंडन हिम और कंट्रोल हिम विद द मनी। इवान सोचता है कि उसकी वाइफ या तो उसे छोड़ देगी या फिर पैसे के साथ उस पर अपना हुक्म चलाएगी। एंड ही बिगिंस टू गेट एंग्री, और वह क्रोधित होने लगता है। हिज वाइफ बिगिंस टू वरी डैट इवान विल स्पेंड ऑल द मनी विच इज़ आफ्टर ऑल हर मनी, और उसकी पत्नी सोचने लगती है कि उसका पति यानी इवान सब पैसे खर्च कर देगा जो कि बहरहाल उसी का है। सी बिगिंस टू हेट हिम फॉर डिजायरिंग हर विनिंग्स, और वो उससे नफरत करने लगती है सोचते हुए कि वो तो पैसा जीत चुकी है। दे आर्ग्यू एंड देन इवान रियलाइज द लास्ट नंबर्स डज नॉट मैच, वे लोग बहस करने लगते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन तब इवान को जब नीचे फिर से देखता है नंबर पे, तो वो देखता है कि उसने तो कोई लॉटरी जीती ही नहीं। दे वोन नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं जीता। दे आर नो लॉन्गर एंग्री एट ईच अदर, वो एक दूसरे पर क्रोधित नहीं थे अब। एट द एंड, और अंत में कहानी के एट द एंड ऑफ द स्टोरी इवान टॉक्स अबाउट हाउ टेरिबल हिज लाइफ इज, इवान सोचता है कि उसकी ज़िंदगी बहुत ही बदतर है। एंड ही सेज ही इज़ गोइंग टू हैंग हिमसेल्फ फ्रॉम ए ट्री आउटसाइड, और वो कहता है कि वो बाहर जा करके एक पेड़ से फांसी लगा लेगा। द स्टोरी शोज हाउ पीपुल्स लिव्स एंड व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू देम कैन क्विकली चेंज विद द सडन ऑनसेट ऑफ वेल्थ। तो कहानी हमें यही सिखाती है कि कोई आदमी कैसा भी हो, कितना भी कोई चीज़ उसके लिए महत्वपूर्ण हो, लेकिन जब उसके पास एकाएक संपत्ति आ जाती है तो वो बदल जाता है। देखिए आपको एक कहानी है, इसका मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको आराम से पढ़ना है और पढ़ पढ़ करके फिर आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, आराम आराम से हो जाएगा। आप चाहें तो इसे वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं आप। बहुत बड़ी कहानी है इसके लिए मैंने इसे वीडियो में लेने में छोड़ दिया, काफ़ी बड़ा हो जाता, नहीं तो ये बोरिंग हो जाता वीडियो। फिर देख सकते हैं ये बहुत बड़ी कहानी है, इसका पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया ऑलरेडी। अब देखिए यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग तो था ही पहले, देखिए प्रैक्टिस टाइम। तो यहाँ पर जो है टिक द करेक्ट ऑप्शन, इवान
इवान दमित्रिच वॉज वेरी वेल सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी से काफ़ी खुश था शुरुआत में। सेकेंड क्वेश्चन है, इवान दमित्रिच हैड नो फैथ इन लॉटरी लक, उसे कोई विश्वास नहीं था लॉटरी लक में, तो लॉटरी होगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन। इवान दमित्रिच गेव ए ब्रॉड सेंसलेस स्माइल, इवान दमित्रिच काफ़ी लंबी मुस्कान देता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। उसके बाद डैश द हस्बैंड होगा यहाँ पे, क्योंकि वाइफ आगे दिया हुआ है तो हस्बैंड वाइफ के बारे में कहानी है, तो इसलिए वहाँ पे हस्बैंड होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द था सॉरी 10,000, थाउजेंड के बारे में बात हो रही है, 10,000। देर इज़ नो वेयर टू वॉक, ये सेंट समर जो है सेंट मार्टिन्स का समर है, उसके बारे में बता रहा है कि वहाँ जो काफ़ी ज़मीन भीग जाती है तो वहाँ चलने के लिए कोई जगह नहीं बच पाता, तो यही वहाँ पे वॉक हो जाएगा। इवान दमित्रिच स्टॉप्ड एंड लुक्ड एट हिज वाइफ, यहाँ पे वाइफ होगा, ऑप्शन सी। दमित्रिच इमेजिन हिज वाइफ इज ट्रेन विद ए मल्टीट्यूड ऑफ पार्सल्स, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। अब यहाँ देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, इवान सेट डाउन ऑन सोफा आफ्टर सफर, रात के भोजन के बाद वो बैठता है सोफा पे। इवान बिगिन रीडिंग द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर होगा यहाँ पे। लुक एंड सी वेदर द लिस्ट ऑफ ड्रॉइंग इज देयर, उसकी पत्नी कहती है कि देखो और कहीं अपना जो हमारा ड्रॉ हुआ था लकी ड्रॉ उसमें हमारा है भी नंबर। इवान हरिडली ड्रॉप द पेपर ऑन हिज नी, और वो जल्दी में अपने पैर पे ही जांघ पे ही छोड़ देता है, घुटने पे ही न्यूज़पेपर, तो ये न्यूज होगा। दे इज द नंबर ऑफ द टिकट टू, यहाँ पे टिकट होगा। वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू बी डिसअपॉइंटेड, यहाँ टाइम होगा। द पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग विल डर्ट देम, तो यहाँ पे देम एक ही बार लिख सकते हैं, या फिर देम नहीं देते तो यहाँ पे लिख सकते थे इवान एंड मासा, इवान भी दे सकते थे लेकिन मैंने मासा काट दिया एंड को, यहाँ देम दे दिया। इवान दमित्रिच पिक्चर्ड टू हिमसेल्फ ऑटम विद हिज विद इट्स रेन, यहाँ ऑटम होगा। ट्रू फॉल्स में देख लीजिए आप, पिक्चर्स केम ऑन इवान्स इमेजिनेशन, ये ट्रू है, ये सही बात है, उसके दिमाग में बहुत सारी बातें आने लगी थी। इस पिक्चर वॉज मोर ग्रेसियस एंड पोइटिकल दैन द लास्ट, ये भी सही है, एक से बढ़ के एक उसके बारे में ख्याल आ रहा था उसे। द डॉग्स वुड कम रनिंग फ्रॉम द किचन गार्डन, ये फॉल्स है, यहाँ पे बच्चे के बारे में वो बात कर रहे थे, तो यहाँ पे डॉग्स नहीं द चिल्ड्रेन होना चाहिए था, तो ये फॉल्स है। द सेंट मार्टिन समर इज फॉलोड बाय क्लाउडी एंड ग्लूमी वेदर, तो वो जैसा कि बता रहे हैं इवान कि सेंट मार्टिन का जो मौसम है वो काफ़ी बादल रहता है, वहाँ उदासी छाई रहती है। मासा वॉज सैचुरेटेड दो थ्रू एंड थ्रू विद द स्मेल ऑफ कुकिंग, ये ट्रू है। एंगर सर्ज्ड अप इवान्स हार्ट अगेंस्ट हर, ये भी सही है, क्योंकि उसके हृदय में क्रोध आ गया था। मासा हैड हर ऑन नाइट ड्रीम्स, नहीं ये गलत है, डे ड्रीम्स की बात हो रही है यहाँ पे, नाइट ड्रीम्स नहीं थी, ये फॉल्स है। मासा अंडरस्टूड परफेक्टली वेल व्हाट हर हस्बैंड्स ड्रीम वेयर, ये सही है, वो समझ गई थी कि उसके पति क्या चाहता है, यहाँ पे ट्रू होगा ये। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन से पहले आप वोकैबुलरी देख सकते हैं। ग्लूमी देखें, ग्लूमी का सेंट मार्टिन्स वेदर वॉज ग्लूमी, ये यहाँ पे बना सकते हैं इसका। रेस्ट स्लम्स वेयर फुल ऑफ रेस्ट चिल्ड्रेन, ये भी सही है, इसका आप इस तरह से बना सकते हैं। पोएटिकल दीज आर वेल मेंटेन्ड पोएटिकल लाइन्स, इस तरह से आप बना सकते हैं। ट्रायम्फेंटली, ट्रायम्फेंटली का देखिए, सी आंसर द क्वेश्चन ट्रायम्फेंटली। मैलिग्नेंटली द वाइफ वॉज थिंकिंग मैलिग्नेंटली, ये बना सकते हैं इसका। बेल्डर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग बेल्डर्ड देम, तो इस तरह से आप ये बना सकते हैं इसका। अब रही बात कि आपका क्वेश्चन आंसर भी जरूरी है, तो क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपका क्वेश्चन आंसर आपका तो ये देखिए आपका यहाँ क्वेश्चन आंसर आ गया, ये रहा क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज इवान दमित्रिच, इवान दमित्रिच कौन था, इवान दमित्रिच वॉज ए मिडिल क्लास मैन, तो इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि वो मिडिल क्लास आदमी था। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन इवान सॉ हिज लॉटरी टिकट इन न्यूज़पेपर, क्या हुआ जब इवान ने लॉटरी में सॉरी न्यूज़पेपर में अपना लॉटरी नंबर देखा, तो दोनों कपल जो होते हैं वो डे ड्रीम करने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि सब पैसे वो जीत चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, तो वही देखिए यहाँ पर क्या होता है। इवान थॉट ऑल हिज सॉरी सेकेंड क्वेश्चन है द कपल स्टार्टेड डे ड्रीमिंग अबाउट द विनिंग ऑफ द लॉटरी, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड में देखिए व्हाट डिड इवान थिंक अबाउट हिज एंड मासाज रिलेटिव्स, इवान ने अपने और मासा के रिलेटिव के बारे यानी रिश्तेदारों के बारे में क्या सोचा, तो यहाँ इसका यही सोच रहा था इवान कि उसके और उस मासा के रिश्तेदार दोनों जो कि गरीब हैं वो सब लोग भागे चले जाएंगे उसके पास पैसे मांगने के लिए,
तो देखिए यहाँ यही आंसर होगा इसका। इवान थॉट ऑल हिज एंड मासाज रिलेटिव्स विल कम टू देम एज सुन एज दे विल हियर अबाउट विनिंग टिकट ऑफ देम दे विल आस्क फॉर मनी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4, व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर्स केम इन इवान्स इमेजिनेशन। तो इवान के मन में किस तरह का ख्याल आया, तो बड़ा ही मज़ेदार और एक से बढ़कर एक ख्याल आया। तो ग्रेसियस एंड पोएटिकल पिक्चर्स केम इन इवान्स इमेजिनेशन। क्वेश्चन 5 है, व्हाट इवान थॉट अबाउट सेंट मार्टिन समर। इवान ने सेंट मार्टिन के गर्मी के मौसम में के बारे में क्या सोचा। तो इवान सोचता है कि वहाँ का मौसम जो है सो थोड़ा सा भद्दा रहता है, वहाँ हमेशा बारिश होती रहती है, कहीं भी जगह नहीं रहता घूमने के लिए। तो यही है इसका आंसर। सेंट मार्टिन समर वुड बी क्लाउडी एंड ग्लूमी, इट वुड बी रेनिंग डे एंड नाइट, द विंड वुड बी डैम्प एंड कोल्ड, देयर वुड बी नो वेयर टू वॉक। वहाँ कोई भी जगह नहीं होगा चलने के लिए। अब क्वेश्चन 6 में देखिए क्या है, व्हाट हैपेंड इन द लास्ट। अंत में क्या होता है, तो कहानी के अंत में यही होता है कि इवान सोचता है कि उसकी ज़िंदगी बहुत ही ख़राब है और वो कहता है कि अब जा रहा है, वो पेड़ से फांसी लगा के लटक जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा। इन द एंड ऑफ द स्टोरी इवान टॉक्स अबाउट हाउ टेरिबल हिज लाइफ इज एंड ही सेज ही इज गोइंग टू हैंग हिमसेल्फ फ्रॉम ए ट्री आउटसाइड। तो इस तरीके से आपका ये आंसर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।